सिपेमोद संगठन का वो हिंसा छोड़कर शासन। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार के भाटापारा पहुंचे। सीएम साय ने आदिवासी गोंड समाज माउली महासभा के संस्कृति भवन का लोकार्पण किया और साथ ही मिला के 1,30,00,000 रुपए देने का ऐलान किया। कार्यक्रम में बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, टंकराम वर्मा, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक समेत कई नेता मौजूद रहे। परम सम्मान्य बृजमोहन अग्रवाल जी से भाटापारा में गोंड समाज का सामाजिक भवन का लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिसमें समाज के लोगों ने हम लोगों को बुलवाया था। उसमें हम लोग आए थे और लोकार्पण किए हैं। समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस 24 जून था, उसके उपलक्ष्य में भी आज का एक कार्यक्रम था। तो महारानी दुर्गावती जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। वो आदिवासी समाज की गौरव थी, एक महिला होते हुए भी थोड़े से अपने सैन्य बल के द्वारा डटकर मुगलों से लड़ाई लड़ते हुए वो शहीद हो गई थी। विधायकों को क्या कहना है? अब यहाँ पर एक तो जो सामाजिक भवन का लोकार्पण किए हैं उसका बाउंड्री वॉल की मांग थी समाज की तरफ से, उसकी घोषणा की है। वहाँ तक सीसी रोड की मांग थी, उसकी घोषणा की है। और एक मेला स्थल है, जोगी द्वीप, वहाँ भी साल में एक बार मेला लगता है, लोगों का आना जाना लगता है। तो करीब 1,25,00,000 से उसका निर्माण होगा, उसकी भी घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ में मिले करारी हार को लेकर कांग्रेस की मंथन बैठक पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया है, कांग्रेस डूबती हुई नाव है, हमें प्रदेश की जनता ने कुर्सी पर बिठाया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के विश्वास पर खरा उतरे। छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोगों को सरकार में बैठाया है, तो उनके विश्वास में हम लोग खरा उतरे, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाए, जो उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाए, इस पर हम लोगों की चिंता है। अब कांग्रेस तो ऐसा है कि वो डूबती हुई नैया है। सरकार से प्रदेश की व्यवस्था नहीं संभल रही, इसलिए कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर यह बयानबाजी कर रहे हैं। दीपक बैज ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया। उनका कहना कि बीजेपी क्यों इस पर बयानबाजी कर रही है, क्योंकि बीजेपी से सत्ता नहीं संभल रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बयान यह है कि सरकार चला नहीं पा रहे और सिर्फ जिस तरह से लगातार बढ़ती अपराध और घटनाओं को ये डाइवर्ट करने वाला बयान है, ताकि प्रदेश की जनता का ध्यान उन घटनाओं पे और सरकार की असफलता पे। कवर्धा पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रबर स्टैंप वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल को याद कर लें, उस समय क्या होता था। शर्मा ने कहा कि साय अनुभवी नेता हैं, सांसद रहे हैं, मेहनत और संगठन की ताकत से वो यहां तक पहुंचे। अभी वो देखें मनमोहन सिंह जी के संदर्भ में क्या हुआ था, वो देखें कि अन्य लोगों के संदर्भ में क्या हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी, आज के नेता थोड़े हैं, तो कब से हैं। लोकसभा 4-5 बार जीते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे मंत्री रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, सब कुछ करके आज अपने संगठन की ताकत पर आज यहाँ पर हैं। और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की किश्त मिलने जा रही है। दरअसल पांचवी किश्त ये महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। दरअसल प्रदेश की 70,00,000 महिलाओं के खाते में ये रकम भेजी जाएगी, 1,000 रुपए।
अब देखिए 70,12,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में हर महीना महतारी बंधन का पैसा प्रथम सप्ताह में ही भेज रहे हैं और संभवतः कल भी मतलब जुलाई महीने की राशि उनके खाते में चली जाएगी। अयोध्या से भगवान रामलला के दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भव्य स्वागत किया और कवर्धा से करीब 70 बुजुर्ग अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। वापस लौटने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इनका स्वागत किया, सभी का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। जेसीबी केवल अवैध कब्जों को नहीं ढाती बल्कि अवार्ड भी दिलाती है। अब आपको मिलाते हैं राजनांदगांव के दमयंती सोनी से जो जेसीबी चलाती हैं और इसके लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। दमयंती सोनी राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव के जिनका नाम खैर झिटी है रहने वाली हैं और लोग उनको जेसीबी दीदी के नाम से जानते हैं। जापान में दमयंती सोनी अपना कमाल दिखाएंगे। दरअसल रायपुर में हुए मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम में दमयंती सोनी ने अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिसके बाद जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया। दमयंती सोनी जापान जाकर पूरे छत्तीसगढ़ सहित जिले का नाम रोशन करेंगी। हमने सीएम साहब को बताया, सर हमको विदेश से ऑफर आता है लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि हम जा सकें। तो फिर सीएम साहब ने बोला कि नहीं ठीक है, तुम विदेश में तुमको कहीं भी जाना हो भारत से बाहर तो आप अपने कार्यक्रम का हमको ये बता देना, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और पूरा राज्य सरकार उसका खर्च वहन करेगी। बस्तर में झमाझम बारिश हुई और बारिश से बस्तर भीग गया। दरअसल उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली और दोपहर के बाद हुई इस बारिश का असर लोगों को तब देखने को मिला जब भयंकर उमस से लोगों को राहत मिली है। आपको बता दें कि इस बारिश ने लोगों को गर्मी से काफ़ी निजात दिलाई है। दरअसल बलरामपुर में भी झमाझम बारिश हुई और करीब 12 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होती ही रही। आपको बता दें कि इस बारिश के दौरान लोगों ने राहत की सांस ली क्योंकि बारिश से छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और उमस से लोगों को राहत भी मिल गई। आपको बता दें कि मुंगेली और लोरमी के खुड़िया इलाकों की अगर बात करें तो झमाझम बारिश यहाँ भी देखने को मिली। बारिश से भूतकछार गांव के कई घरों में पानी घुस गया, जल निकासी न होने से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा। अब ग्रामीणों को यहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है। और इधर बरसात के मौसम में हर किसी को छाती की आवश्यकता होती है और बाजार में रंग बिरंगी छतरियां दुकान में सजी हुई हैं। रायपुर में बंबई छाते की बड़ी डिमांड है। बरसात की शुरुआत फ्री मानसून की बरसात में अभी छाते की बिक्री और रेनकोट की बिक्री का उठाव अच्छा हो गया है। सभी को लोग मनपसंद अपने रेनकोट और छाता ले रहे हैं। छाते में बहुत सी वैरायटी आ रही है, कम से कम नहीं तो 200 वैरायटी की डिमांड अभी बहुत है। लेडीज़ जितने भी ऑफिस के लोग हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल कॉलेज वाले हैं, सब यही छाते को पसंद कर रहे हैं। पल्स के अंदर में ये छाता आ जाता है। और बढ़ते हैं आगे फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालते हैं। 20 बड़ी खबरें